हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? स्वागत है एटीपी पे। और आज जो है हम ब्लॉक केमिस्ट्री का लास्ट पार्ट, फाइनल पार्ट लेके आए हैं, रिएक्शंस वाला। ठीक है, तो आज के दिन जो है हम कुछ नया नहीं पढ़ने जा रहे हैं, पर 5 मिनट का एक ऐसा पार्ट होगा इसके अंदर जिससे कि आप जो इसके अंदर, इस लेक्चर के अंदर जितनी भी रिएक्शंस हैं वो ईजिली आप कवर कर सकेंगे। ठीक है दोस्तों, तो करते हैं स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले तो अपन आज क्या करने जा रहे हैं, सबसे पहले एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की लिस्ट बनाएंगे। आती है आपको, याद है, उसमें कुछ भी नया नहीं है। ठीक है, फिर रिड्यूसिंग एजेंट की लिस्ट बनाएंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद में कुछ सीरीज देखेंगे, रेडॉक्स सीरीज, ये सब चीज़ें आपको याद है पर मैं रिलेट करना सिखाऊंगा। और फिर एक स्पेशल सीरीज़ है जो कि मेरी खुद की बनाई हुई है, हम उसको यूज़ करके और बहुत सारी रिएक्शंस को किस तरीके से लिखते हैं वो आपको सिखाएंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की लिस्ट से। देखिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में आप अपन सभी जानते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है ना, जब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेंगे तो ये क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। इलेक्ट्रॉन लेंगे तो F2 जाएगा F- में Cl2 Cl- Br2 Br- I2 I-, बैलेंसिंग नहीं कर रहे हैं। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट, उसके बाद में KMnO4, जैसे मैंने पहले भी बताया था, जैसे जैसे H+ बढ़ता है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर बढ़ता है, तो KMnO4 सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा किसके अंदर, एसिडिक मीडियम में। जब उसका रिडक्शन होगा तो Mn2+ बनेगा। ठीक है ना, यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। ठीक है, फिर उससे कम जो है वो बेसिक मीडियम के अंदर MnO2 बनेगा। ठीक है, वीकली बेसिक या न्यूट्रल के अंदर, जब तक स्ट्रांगली बेसिक या KOH ना लिखा जाए तब तक K2MnO4 नहीं बनाना है। ऐसे भी समझ सकते हैं, केस KMnO4 से K2MnO4 जाने के लिए K तो चाहिए, और K का मतलब मीडियम कैसा हो जाएगा बेटा, बेसिक हो जाएगा। बात समझ में आ गई? एनसीईआरटी में एक करेक्शन है, एनसीईआरटी में या मीडियम एसिडिक लिख रखा है जो कि गलत है। ठीक है ना, ये बनता कौन से मीडियम में, वीकली बेसिक या न्यूट्रल मीडियम में, एसिडिक मीडियम में नहीं बनता, ये एनसीईआरटी के अंदर करेक्शन है। चलिए उसके बाद देखें K2Cr2O7। अच्छा, आप खुद बोलते जाओ, K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में किस में जाता है, Cr3+ में, Pb+4 Pb+2 में, Bi+5+3 Th+। अच्छा, ये तो दिख ही रहा होगा आपको, इमेज तो आई रही है। ठीक है, कोई बात नहीं, आप खुद भी है ना उसको क्या कर सकते हैं, हाथ रख के बोल सकते हैं, पहले लिख लें और हाथ रख के बोल लें। ठीक है, नेक्स्ट Tl+3+1 के अंदर ये इनर्टवेयर इफेक्ट की अगर अपन बात करें तो। फिर उसके बाद में देखें H2O2 किस में जाएगा, H2O के अंदर। O3 जो है वो O2 में जाएगा। ऑक्सीजन का कम होना भी क्या है, रिडक्शन। ठीक है ना, तो यहाँ पे कितनी ऑक्सीजन थी, 3 थी, और यहाँ पे कितनी हो गई, 2 हो गई, तो ये ऑक्सीजन कम हो रही है, ये भी एक तरीके से क्या है, रिडक्शन है। इसके अलावा O-2 के अंदर भी जा सकता है, ऑक्सीजन का रिडक्शन हो जाएगा। H2O8 2- जिसके अंदर परोक्सी लिंकेज होता है, ये किसके अंदर चला जाएगा, SO4 2- में। यहाँ पे सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं आया है, यहाँ चेंज आया है किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट में। ठीक, फिर उसके बाद में बात करें NaOCl HOCl, देखने में दोनों एक जैसे लग रहे हैं। CaOCl2 की बात करें तो CaOCl2 इज व्हाट, CaCl2.CaOCl2, तीनों के अंदर एक एनायन है OCl-, और OCl- जबरदस्त ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, किसके अंदर चला जाता है, Cl- में, उसकी ऑक्सीजन निकल जाती है। Ag+ Cu2+, ये कौन सी मेटल्स है बेटा, रिएक्टिव मेटल्स नहीं है, रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे वाली मेटल्स है जो कि रिडक्शन पे क्या दे देंगी, मेटल दे देंगी, Cu2+ Cu+ दे देगी, Fe3+, सभी जानते हैं Fe2+ दे देगा, HNO2 क्या दे देगा बेटा, NO गैस दे देगा। ठीक है, ये कैसे याद रखेंगे HNO2, मैंने हीटिंग बताया था, HNO2 जो है वो हीट करने पे, एक ट्रिक बताई थी ना, याद हो तो, 3 पुलिस 1 चोर पार्ट सेकंड के अंदर। ठीक है, तो उसी ट्रिक के हिसाब से अपन याद रख सकते हैं, HNO2 जाता है ऑक्सीडेशन पे HNO3 में और रिडक्शन में NO में। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट, H2SO4 डाइल्यूट जो है वो नॉन ऑक्सीडाइजिंग होता है, मतलब वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होता है, उसके दम पे कोई रिएक्शन नहीं होती है, जबकि कॉन्सेंट्रेट H2SO4 रिडक्शन पे क्या देता है, SO2 देता है। ठीक, ऐसी यहां पे करेक्शन है, HNO3 जो है 70% HNO3 जो है वो NO2 देता है, क्या देता है बेटा, NO2 देता है, जबरदस्त ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है कॉन्सेंट्रेट HNO3। पर अगर मैं डाइल्यूट की बात करूं जो कि 20% होता है, तो वो इन जनरल प्रोडक्ट कौन सा देगा, NO देगा, इन जनरल प्रोडक्ट कौन सा देगा, NO देगा। पर जब रिएक्टिव मेटल आएगी, मतलब रिएक्टिव मेटल मतलब जो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर है, जिनका रिड्यूसिंग नेचर काफी ज्यादा है, मेटल की बात करिए, मेटल आयन की बात नहीं करिए, तो जब वो मेटल आएगी तो कौन सी गैस मिलेगी अपन को, N2 गैस मिलेगी। तो ये तो हो गए बेटा अपने कौन से एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इन पॉज करके इनकी लिस्ट बनाइए। ठीक है ना, इसमें कुछ भी नया नहीं है, सब चीजें आप जानते हैं, बेसिकली आपको यूज करना नहीं आता है, प्रोडक्ट लिखना नहीं आता है, तो वो मैं आज आपको सिखाने वाला हूं। ठीक है, नेक्स्ट देखें रिड्यूसिंग एजेंट, समझना,
रिड्यूसिंग एजेंट क्या करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट अपना ऑक्सीडेशन करवाते हैं। तो Cl- Br- I- की बात करें तो Cl- Cl2 में जाएगा, Br- Br2 में जाएगा, I- I2 में जाएगा। I3- इज व्हाट, I3- इज I2 प्लस I-। तो कभी कभी क्या होता है I- का कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होता है, तो उसमें क्या होता है I- पहले I2 के अंदर जाता है और बचे हुए I- के साथ रिएक्शन करके I3- बना लेता है। नेक्स्ट उसके बाद में ये सब क्या है, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वाले अपनी एलिमेंटल स्टेट में जा रहे हैं। H2S से सल्फर हो गया, ठीक है ना, H2S से क्या हो गया बेटा, सल्फर H2O2 से O2, NH3 से N2, PH3 से P4, और P4 हाईली रिएक्टिव होता है जो कि क्या दे देता है, P4O10। जितनी भी नॉन मेटल है, अब इसको समझना, I2, P4, S8, कार्बन, सिलिकन, बोरोन, ये जो नॉन मेटल है, जब इनका ऑक्सीडेशन होगा तो इनके ऊपर क्या जुड़ेगी, ऑक्सीजन जुड़ जाएगी, और ऑक्सीजन जुड़ेगी तो ऑक्साइड बनेगा। ऑक्साइड को पानी में डालते हैं क्योंकि रिएक्शन पानी में हो रही है, तो क्या बन जाएगा, ऑक्सी एसिड बन जाएगा। और स्टेबल ऑक्सी एसिड आपका कौन सा होता है, पेरेंटिक एसिड होता है, इसलिए यहां पे अपन क्या बना देंगे, एक एसिड बना देंगे। जब आयोडीन, P4, सल्फर, कार्बन, बोरोन, सिलिकन का जब हम ऑक्सीडेशन कराएंगे तो हम क्या बना देंगे बेटा, यहां पे एक एसिड बना देंगे। नेक्स्ट उसके बाद में देखें, ये HNO2 अस एसिड, अस एसिड भी ऑक्सीडाइज होकर किसके अंदर जाएंगे, अस एसिड भी ऑक्सीडाइज होकर किसके अंदर जाएंगे, एक में, जैसे HNO2 नाइट्रस एसिड नाइट्रिक में है ना, सल्फ्यूरस एसिड सल्फ्यूरिक एसिड में, फॉस्फोरस एसिड या हाइपोफॉस्फोरस एसिड फॉस्फोरिक एसिड में, आर्सेनस एसिड किसके अंदर, आर्सेनिक एसिड में। H2O3 2 नेगेटिव जो है ये दो तरह से रिएक्शन करता है, H2O3 2 नेगेटिव जब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आ जाता है तो किसके अंदर टूटता है, सल्फर प्लस SO4 2 नेगेटिव में। देखो H2O3 S डबल बॉन्ड, S डबल बॉन्ड, O O नेगेटिव, O नेगेटिव, दो तरीके से जा रहा है, एक सल्फर प्लस SO4 2 नेगेटिव जिसमें 0 प्लस 6 के अंदर गया, या फिर S4O6 2 माइनस जिसके अंदर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 0 प्लस 5 और प्लस 5 होती है। ठीक है, तो आप खुद भी समझ सकते हैं इस चीज को के जब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आएगा, जब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आएगा तो सल्फर प्लस SO4 2 नेगेटिव मिलेगा, और जब वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आएगा तो S4O6 2 मिलेगा। ये कौन कौन से, ये अभी आ जाएंगे जब मैं सीरीज बताने लगूंगा। ऐसे ही ऑक्सैलिक एसिड या CO, CO की बात करें तो ये ऑक्सीडेशन पे क्या देते हैं, CO2 देते हैं। SN2 प्लस ऑक्सीडेशन पे SN प्लस 4 इनर्ट पेयर इफेक्ट के अंदर आता है, और Fe2 प्लस रिडक्शन पे क्या देता है बेटा, Fe3 प्लस देता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो गई अपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की लिस्ट। इसके अलावा कुछ रेडॉक्स की सीरीज है, कुछ रेडॉक्स की सीरीज है जिनको आप जानते हैं, मैं सिर्फ रिवाइज करवा रहा हूं उनको और कुछ भी नहीं कर रहा हूं, समझना। जैसे Mn2+ का सिंपल ऑक्सीडेशन होता है तो MnO2, MnO2 का ऑक्सीडेशन कौन से मीडियम में, बेसिक मीडियम में, क्योंकि K2MnO4 बनाना, और K2MnO4 सिर्फ और सिर्फ कौन से मीडियम में मिलता है, बेसिक मीडियम में मिलता है। तो K2MnO4 कब ऑक्सीडेशन, MnO2 का ऑक्सीडेशन करेंगे तो K2MnO4 मिलेगा बेसिक मीडियम में, K2MnO4 का फर्दर ऑक्सीडेशन करेंगे तो KMnO4 मिलेगा। H2S, H2S का ऑक्सीडेशन होगा सल्फर, सल्फर बर्न होती है तो बनता है SO2, है ना, बर्न होना मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन करना, और SO2 का कैटालिटिक ऑक्सीडेशन होता है और पानी डालते हैं तो बनता है क्या, H2SO4। ऐसे ही HI का अपन ने पढ़ा, I2 बनेगा, नॉन मेटल में जाएगा, नॉन मेटल पे ऑक्सीजन डालेंगे तो क्या बनेगा, याद करो, पेरेंटिक एसिड, अभी अपन ने पढ़ा था। ऐसे ही H2O2, H2O2, H2O2 का रिडक्शन होगा तो H2 और ऑक्सीडेशन होगा तो O2 मिलेगा अपन को। अब ये समझो, ये है क्रोमेट, CrO4 2 नेगेटिव, CrO4 2 नेगेटिव का बेसिक मीडियम में ऑक्सीडेशन होगा, सॉरी क्रोमियम प्लस 3 का बेसिक मीडियम में ऑक्सीडेशन होगा तो बनेगा क्रोमेट। क्या बनेगा बेटा, क्रोमेट, मीडियम एसिडिक होगा तो नहीं बनेगा, क्योंकि एसिडिक मीडियम में तो खुद क्रोमियम प्लस 3 बनता है, किससे, डाइक्रोमेट से। तो बहुत सिंपल सा है कि क्रोमेट, क्रोमेट बनेगा तब जब क्रोमियम का ऑक्सीडेशन होगा, कौन से मीडियम में, बेसिक मीडियम में। क्रोमेट वैसे ही मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में प्लस सिक्स के अंदर है, उसका फर्दर ऑक्सीडेशन कराएंगे तो पॉसिबल तो है नहीं, तो कौन सा लिंकेज आ जाएगा, परॉक्सी लिंकेज, परॉक्सी लिंकेज आ जाएगा तो सी आर डबल बॉन्ड ओ ओ ओ, ये बटरफ्लाई वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा। सी आर ओ फाइव परॉक्सी लिंकेज, पानी के अंदर अनस्टेबल, टूटेगा, टूट के वापस क्या दे देगा, सी आर थ्री प्लस दे देगा। क्रोमेट का मीडियम एसिडिक करेंगे तो क्या बन जाएगा, डाइक्रोमेट बन जाएगा, और डाइक्रोमेट का एसिडिक मीडियम में रिडक्शन करेंगे तो क्रोमियम 3 प्लस बन जाएगा। तो ये एक दूसरे से बहुत इजीली रिलेट कर सकते हैं, किस किस तरीके से रिलेट करें, कि इनके मीडियम को आप याद रखो,
डाइक्रोमेट बनता है एसिडिक मीडियम में, रिएक्शन करता है कौन से मीडियम में, एसिडिक मीडियम में, तो डाइक्रोमेट निपट जाएगा, जब रिडक्शन होगा तो किसके अंदर, क्रोमियम प्लस थ्री के अंदर जाएगा, ठीक है। अब क्रोमेट की बात करें तो क्रोमेट बेसिक मीडियम में, तो क्रोमियम प्लस थ्री का जब भी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बन जाएगा, क्रोमेट बन जाएगा। पर मीडियम कैसा होना चाहिए, बेसिक होना चाहिए, तभी ये रिएक्शन होगी, नहीं तो ये रिएक्शन नहीं होगी। नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे, अमोनिया का ऑक्सीडेशन होगा तो N2 हाईली इनर्ट है, N2 का फर्दर ऑक्सीडेशन इजीली नहीं होता, गर्म करेंगे ऑक्सीजन के साथ में तब जाके बनती है NO गैस, NO गैस हाईली रिएक्टिव होती है, NO गैस हाईली रिएक्टिव होती है, वो ओड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, O2 के साथ रिएक्शन करके NO2 बना लेती है, NO2 को हम पानी में डालते हैं तो क्या बनता है, HNO2 प्लस HNO3 बनता है, ठीक है ना। HNO2 का फर्दर ऑक्सीडेशन होगा तो HNO3, HNO2 का फर्दर रिडक्शन होगा तो कौन सा बेटा, NO, और ये -3 और +3 नाइट्रोजन के मिक्स हो जाएंगे, इस पर्टिकुलर केस में बन जाता है क्या, N2, इस पर्टिकुलर केस में क्या बन जाता है बेटा, N2। तो ये इस तरीके से कुछ स्पेशल रेडॉक्स रिएक्शन है जिनके आसपास पूरा ब्लॉक केमिस्ट्री घूमता है। तो दोस्तों जैसा कि अभी अपन ने स्लाइड के अंदर देखा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, और कुछ रेडॉक्स सीरीज, ये सब चीज़ें आपको पता है, ठीक है ना। कुछ एक चीज़ें और बता रहा हूँ वो आपको पता है, पर उनको यूज़ करना किस तरीके से उसको समझने की कोशिश करना। जैसे समझना ऑक्सीडाइजिंग पावर का एक ऑर्डर आप जानते हैं, फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा, उससे कम क्लोरीन, उससे कम ब्रोमीन, उससे कम आयोडीन होती है, ठीक है ना, ये सब आप जानते हो। तो इसको यूज़ कैसे करना है, देखिए फ्लोरीन की ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा है, मतलब फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी क्या है बेटा, ज़्यादा है। तो फ्लोरीन क्या करेगा, F2 प्लस I माइनस ये रिएक्शन होगी, पर I2 प्लस F माइनस रिएक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे हम इस सीरीज को यूज़ करके ये पता लगा रहे हैं कि फ्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज़्यादा रखता है, किसके कंपेरिजन में, आयोडीन के कंपेरिजन में, तो उसके पास में इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन है इसका मतलब ये स्टेबल है, मतलब ये रिएक्शन नहीं करेगा। समझ में आ गई बात, ये एक छोटी सी सीरीज आप सब जानते हैं, इसको यूज करने का तरीका भी जानते हैं, ठीक है। और देखें एक और सीरीज लेते हैं, F2Cl2 कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और Br2 और I2। अब इस सीरीज को कैसे यूज करें समझना, जब मैं F- पर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालूंगा तो F2 नहीं बनेगा, क्योंकि फ्लोरीन की ऑक्सीडाइजिंग पावर मतलब इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी जो है कॉन्सेंट्रेट H2SO4 से ज़्यादा होती है, इसका मतलब ये रिएक्शन में फ्लोरीन तो नहीं बनेगा, हाँ HF जरूर बन जाएगा, क्योंकि कॉन्सेंट्रेट H2SO4 जबरदस्त स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो क्या करेगा H+ देगा ही देगा, और वो देगा तो किसको लेना पड़ेगा, F- को लेना पड़ेगा। अब देखो Cl- लिया, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लिया, तो Cl2 नहीं बनेगा, क्या बन जाएगा बेटा, HCl। पर अगर जब मैं Br- लूंगा तो Br- जब कॉन्सेंट्रेट H2SO4 लेंगे तो Br2 बनेगा, साथ में थोड़ी सी अमाउंट में क्या बन जाएगा बेटा, HBr बन जाएगा। ऐसे ही जब मैं I- लूंगा तो I- लेने पर क्या बन जाएगा बेटा, I2 बन जाएगा, और साथ में क्या बन जाएगा, HI बन जाएगा। तो एक सीरीज आपको बताने जा रहा हूँ, ये तो बहुत छोटी छोटी सीरीज है, ठीक ना, एक सीरीज बताने जा रहा हूँ जो मेरी खुद की बनाई हुई है, और पहली बार जो है वो ऑनलाइन आपको देखने को मिलेगी, ये ट्रिक जो सीरीज और उसकी ट्रिक जो है वो पहली बार आपको ऑनलाइन देखने को मिलेगी। समझना किस तरीके से हमें यूज़ करना है, बहुत सारे क्वेश्चन से अपन उसको यूज़ करेंगे। लेक्चर अब मात्र 5 मिनट का बचा है, उसके बाद का जितना भी पार्ट आपके लेक्चर का है वो सारा जो रिएक्शंस आपको PDF के अंदर दी गई है उनका डिस्कशन वाला पार्ट है, ठीक है ना। तो 5 मिनट का लेक्चर है, समझने की कोशिश करना। एक ऑक्सीडाइजिंग पावर की सीरीज है जिसमें बहुत सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमने लिए हैं, वो अभी तक का जो मेरा नॉलेज है, मतलब अभी तक जितनी भी हम रिएक्शंस पढ़ते हैं, ठीक है ना, हम जितनी भी रिएक्शंस पढ़ते हैं उन सब रिएक्शंस को मैंने एक सीरीज में लिखा, और उससे मैंने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की पावर निकाल ली। ये E0 के बेसिस पे नहीं है, डेल्टा जी के बेसिस पे, प्रोडक्ट लिखने के बेसिस पे मैंने एक सीरीज बनाई है। सीरीज क्या है समझना, फ्लोरीन की ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज़्यादा, ठीक, उससे कम O3, O3 के बाद में आ जाता है अपने पास में CaOCl2, ब्लीचिंग एजेंट जिसको बोलते हैं, इसका मेन एनायन है OCl-, ठीक है। फिर उसके बाद में H2O8 नेगेटिव मार्शल्स एसिड का एनायन हो गया, Pb+4 हो गया, Bi+5 हो गया, ठीक बेटा। उसके बाद में आ जाता है KMnO4 एसिडिफाइड, ठीक, KMnO4 एसिडिफाइड के बाद में आता है बेटा H2O2,
H2O2 एसिडिफाइड भी ले सकते हो, न्यूट्रल भी ले सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद में MnO2, फिर K2Cr2O7 आ जाएगा, उसके नीचे क्या आ जाएगा, K2Cr2O7, कौन सा वाला, एसिडिफाइड। और उसके बाद में सीरीज को वापस यहां से लेके आ रहा हूं, उसके बाद में सीरीज कंटिन्यू चल रही है, क्लोरीन, फिर है अपने पास में HNO3, कौन सा वाला बेटा, कॉन्सेंट्रेटेड, फिर उसके बाद में कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। इसको याद करने की ट्रिक है, आप परेशान ना हो बेटा, सब आपको मिलेगा आराम से, अच्छे से और तरीके से। फिर आ जाएगा Br2, फिर HNO2, फिर Fe3+, Fe3+ के बाद में आ जाएगा अपने पास में I2, और I2 के बाद में आ जाएगा H2O2 बेसिक मीडियम के अंदर, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं, क्या ट्रिक है समझना। एक मार्शल नाम का लड़का था, पढ़ाई कर रहा था आपके जैसे ही, ठीक है ना, पर उसका ध्यान थोड़ा सा भटक गया, ठीक है ना, वो गलत संगत में पड़ गया और अपने दोस्तों के साथ में गोवा घूमने चला गया। गोवा घूमने चला गया तो गोवा में आप जानते हो वहाँ पे तो फॉरेनर्स दिखते हैं, तो फॉरेनर्स को देख के वो थोड़ा पागल हो गया। अब करता क्या बेचारा, परेशान हुआ तो रात को इंटरनेट चला लिया, और इंटरनेट चलाया और पूरी रात ख़राब कर ली, फिर जाके उसको समझ में आया ये सब बेकार है, पढ़ाई करना ही सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो इसी कहानी को लेके एक ट्रिक बनाई है अपन ने, क्या बनाई है कि फ्लोरीन से हो जाएगा बेटा फिरंगी, फिरंगी मतलब फॉरेनर, फिरंगी औरत, है ना, फॉरेनर, समझ रहे हो ना बात को, गोवा में गया है, फिरंगी औरत दिख गई उसको, ठीक है। किसको, मार्शल को, मार्शल नाम का लड़का है, किस नाम का लड़का है, मार्शल नाम का लड़का है, ठीक है ना। और कहाँ पे दिखी, बीच पर दिख गई, ब्लीचिंग एजेंट, भावनाओं को समझना है, ठीक है ना। फिरंगी औरत बीच पर देख मार्शल भी पागल हुआ, क्या हुआ, फिरंगी औरत को देख मार्शल भी पागल हुआ, मन पर, मैग्नेट का हो गया ना बेटा, मन का कंट्रोल नहीं, क्या बोला मैंने कि फिरंगी औरत को बीच पर देख मार्शल भी पागल हुआ और उसके मन के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। फिर क्या क्या उसने कल नेट मतलब नाइट्रेट, है ना, नेट से मतलब सल्फेट, ठीक है ना, नेट से बर्बाद करी नाइट, पूरी रात इंटरनेट चलाया उसने, है ना, कल नेट से बर्बाद करी नाइट, फिर याद आई, है ना, और पढ़ाई, एनी टाइम पढ़ाई, समझ में आ गई बात, ठीक है। तो ये ट्रिक है और इस ट्रिक का अपन बार बार यूज़ करेंगे, बहुत सिंपल है। जैसे समझो KMnO4 एसिडिफाइड, F- को F2 में नहीं कर सकता, पर Cl- को Cl2 में, इधर आ जाओ, Br- को Br2 में, I- को I2 में कर सकता है, Fe2+ को Fe3+ में कर सकता है, बहुत सिंपल रिएक्शन है, समझ गए। MnO2 ले लो या PbO2 ले लो, Pb+4, दोनों के दोनों जो है वो किसको, Cl- को Cl2 में, Br- को Br2 में, I- को I2 में ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। तो अच्छे से इस ट्रिक को लिखें, ठीक है ना, ट्रिक मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी। क्या बताया था मैंने, स्टोरी क्या थी कि मार्शल नाम का लड़का था, फिरंगी औरत को बीच पे देखा और उसका मन में कोई कंट्रोल नहीं रहा, फिर उसने कल रात को नेट पर, है ना, पूरी नाइट बर्बाद कर दी ना, और फिर उसके बाद में पढ़ाई याद आ रही है, ठीक है। तो इस तरीके से इस ट्रिक को यूज़ करेंगे और पहली बार बनाई हुई ट्रिक है, मेरे ख्याल से आपको बहुत पसंद आएगी। वैसे लेक्चर यहाँ पे ख़त्म हो गया है, पर लेक्चर के आगे का जो पार्ट है वो पूरा इस ट्रिक को यूज़ करके जितनी भी ब्लॉक केमिस्ट्री की रिएक्शन रेडॉक्स से रिलेटेड बची थी वो सारी अपन ने कवर कर ली है। और अब देखें किस तरीके से अपन सारी रिएक्शन को फटाफट सॉल्व करते चले जाते हैं। तो करें स्टार्ट, ठीक है ना, पूरा का पूरा लिख लें, ट्रिक लिख लें, कागज सामने रखें और रिएक्शन को लिखना चालू करें। देखो सबसे पहले मैं रिएक्शन के प्रोडक्ट लिखूंगा, ठीक है, उन प्रोडक्ट को समझे मैंने किस तरीके से चीज़ों को यूज किया है। मात्र इस सीरीज को यूज करके आप देखोगे अभी आप कितनी सारी रिएक्शन बहुत ईजिली लिख सकते हो, समझ में आ गई बात। तो आप क्या करेंगे, पहले जो मैं बता रहा हूँ उसको पढ़ेंगे, उसके बाद में सॉल्व करना चालू करेंगे, समझ में आ गई बात। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। देखिए भाई, रिएक्शंस आ गई है आपके सामने एक एक करके। सबसे पहले आपके सामने है सल्फाइड,
KMnO4 सल्फाइड, सल्फाइड का ऑक्सीडेशन होगा सल्फर, जबरदस्त ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सोचने की जरूरत नहीं है। KMnO4 जाएगा किसके अंदर, Mn2+ के अंदर, अभी अपन ने पढ़ा था क्योंकि मीडियम एसिडिफाइड है। KMnO4 एसिडिक जाएगा Mn2+ के अंदर, और SO2 का ऑक्सीडेशन होगा तो SO4 2- के अंदर, H2S जाएगा सल्फर में, सल्फर SO2 में, SO2 H2SO4 मतलब SO4 2- के अंदर। ऐसे ही KMnO4 एसिडिफाइड अगेन Mn2+ के अंदर जाएगा, NO2- किसके अंदर जाएगा, NO3- के अंदर जाएगा, Cl-Cl2 में, Br-Br2 में, I-I2 में, और यहां पे मिल जाएगा मीडियम कैसा है, एसिडिफाइड है तो Mn2+ मिल जाएगा। समझ में आ गई बात। अब देखो मीडियम कैसा है, बेसिक है और I- है। वैसे तो I- का प्रोडक्ट क्या होता है, I2 स्टार लगा लो इस रिएक्शन के ऊपर, वैसे तो प्रोडक्ट क्या होता है I2, पर मीडियम बेसिक है। और मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था ब्लॉक केमिस्ट्री पार्ट सेकंड के अंदर के नॉन मेटल बेसिक मीडियम में डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाती है, और I2 डिस्प्रोपोर्शनेट होगी तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, देखो समझो, I- वैसे तो ऑक्सीडेशन होगा तो मिलेगा I2, I2 जाएगा किसके अंदर, I- + IO3- में, तो ये तो बैलेंसिंग के अंदर कैंसिल हो जाएगा, इसलिए फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेगा अपन को, IO3- मिलेगा। मीडियम वीकली बेसिक है क्योंकि KOH नहीं लिखा है, इसलिए मैं यहां पे क्या लिखूंगा बेटा, MnO2, और I- के लिए लिखूंगा IO3-। कई लोग कहते हैं सर बेसिक मीडियम में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा कौन, KMnO4 एसिडिफाइड बेसिक, KMnO4 बेसिक जो है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा KMnO4 एसिडिक से, बिल्कुल गलत है। यहां पे IO3- इसलिए बनाया क्योंकि डिस्प्रोपोर्शनेशन हुआ है, बेसिक मीडियम में I2 एग्जिस्ट नहीं करता, इस वजह से यहां पे IO3- बना है, बिल्कुल गलत है, ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है किसके कंपैरिजन में, KMnO4 एसिडिफाइड के कंपैरिजन में। उसके बाद में फिर स्टार्ट करते हैं, देखो एसिडिक मीडियम Mn2+ C2O4 2- नेगेटिव CO2 गैस, Fe2+ किसमें, 3+ में, और KMnO4 एसिडिफाइड किसमें, Mn2+ के अंदर, K2Cr2O7 बेसिक मीडियम में, याद करो बेसिक मीडियम में कुछ भी नहीं होना, सिर्फ बॉन्ड टूटेगा और बन जाएगा क्या, K2Cr4, क्योंकि एसिडिक मीडियम में मिलता है K2Cr2O7, तो स्टेबल सिर्फ एसिडिक मीडियम में रहेगा, बेसिक में टूट जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखें वापस से, सर स्लाइड सही कर देना एक मिनट, स्लाइड सही कर दो एक मिनट, कोई बात नहीं। देखें KMnO4 एसिडिक मीडियम में H2O2 की बात कर रहे हैं, तो KMnO4 अब सीरीज यूज होगी, देखो H2O2 से बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कौन, KMnO4, तो KMnO4 क्या किस में जाएगा, Mn2+ में जाएगा, और H2O2 का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या मिलेगा, O2 मिलेगा। इस रिएक्शन को आराम से लिख पा रहे हैं, कैसे लिख पा रहे हैं, क्योंकि H2O2 बेकार ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो यहां पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, यहां पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 एसिडिफाइड होगा, और रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, H2O2 रिड्यूसिंग एजेंट बनना पड़ेगा। समझ में आ गई बात, क्योंकि ये तो बीच वाला है, ये तो हायर में भी जा सकता है और लोअर में भी जा सकता है। चलिए नेक्स्ट देखें, Sn2+ जाएगा किसमें, Sn4+ के अंदर, और KMnO4 एसिडिफाइड जाएगा किसके अंदर, Mn2+ में। प्रैक्टिस करोगे अपने आप चीजें याद हो जाएगी, और बार-बार सीरीज को यूज करें। H2O3 2- स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है KMnO4, देखो Br2 की प्रेजेंस में बनता है S+SO4 2-, क्या बनता है S+SO4 2-, किसकी प्रेजेंस में, Br2 की प्रेजेंस में, पर और KMnO4 एसिडिफाइड Br2 से तो बहुत जबरदस्त ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इस वजह से S+SO4 2- आराम से बनेगा, और साथ में क्या मिलेगा, Mn2+। पर जैसे ही मैं बेसिक मीडियम की बात करूंगा तो मिलना तो चाहिए था S+SO4 2- और साथ में क्या, MnO2, पर यहां पे क्या हुआ, S नहीं मिलेगा क्योंकि मीडियम बेसिक है और नॉन मेटल सल्फर बेसिक मीडियम में एग्जिस्ट नहीं करती है। समझ में आ गई बात। उसके बाद में आर्सेनाइट जाएगा आर्सेनेट के अंदर, और साथ में Mn2+, क्योंकि मीडियम कैसा है, एसिडिक है, मीडियम एसिडिक है, Mn2+। अब समझो ये आपसे यूज करेंगे उस सीरीज को, Mn2+ का ऑक्सीडेशन होता है तो MnO2 मिलता है, MnO2 का फर्दर ऑक्सीडेशन होता है तो K2MnO4 मिलता है, तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है प्रोडक्ट की, पर मीडियम कैसा है, एसिडिक है, तो K2MnO4 मिलने के कोई चांसेस नहीं है, तो K2MnO4 हटा दो, तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, MnO2, क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, बीच वाला प्रोडक्ट, बीच वाले दो प्रोडक्ट है, एक MnO2 दूसरा K2MnO4, K2MnO4 कौन से मीडियम में, बेसिक मीडियम में ही मिलेगा, एसिडिक मीडियम में नहीं मिलेगा।
केमेनो फॉर एसिडिक मीडियम में नो रिएक्शन, कुछ नहीं होगा, पड़ा रहेगा, ठीक है। केमेनो फॉर बेसिक मीडियम में नो रिएक्शन, कुछ भी नहीं होगा, पड़ा रहेगा। केमेनो फॉर H2O के अंदर कुछ भी नहीं होगा, क्या लिख दूंगा यहाँ पे, नो रिएक्शन, ठीक है ना, क्योंकि आपने कोई ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट नहीं डाला। हाँ, सनलाइट होती तो केमेनो फॉर टूट जाता, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सनलाइट की प्रेजेंस में टूट जाता है। Mn2 प्लस का फर्दर ऑक्सीडेशन MnO2 और MnO2 प्लस KOH, अब देखो मिल गया KOH ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, MnO2 से जस्ट ऊपर जाएंगे तो K2MnO4, पर K2MnO4 कौन से मीडियम में स्टेबल है, सिर्फ और सिर्फ बेसिक मीडियम में, और बेसिक मीडियम मिल गया इसलिए मैं लिख दूंगा यहां पे क्या, K2MnO4। समझ में आ गई बात, तो नेक्स्ट, उसके बाद में नेक्स्ट सीरीज पे चलते हैं, लिखते जाना बेटा, समझते जाना। नेक्स्ट, K2MnO4 का ऑक्सीडेशन करा दिया तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, K2MnO4 सिंपली चला जाएगा किसके अंदर, KMnO4 के अंदर कोई परेशानी नहीं आएगी। Mn2 प्लस PbO2, अब ये देखो आपने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाले सीरीज के अंदर, देखो कि ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट थे Bi+5, Pb+4 और सल्फर वाला, ये तीनों जो है KMnO4 से भी स्ट्रॉन्ग है और एक्सेस में डालें, तो Mn2 प्लस को सीधे लेके जाएंगे किसदर, KMnO4 की तरफ, क्यों, क्योंकि इनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा है, इनकी प्रेजेंस में ये स्टेबल है इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखो K2Cr2O7 आ गया, तो K2Cr2O7 हर बार जाता है किसके अंदर, Cr3 प्लस में, पर सल्फाइड जाएगा सल्फर में, SO2 जाएगा SO4 2- के अंदर, NO2- जाएगा NO3- के अंदर, और Br- जाएगा Br2 के अंदर, सिंपल, बहुत सिंपल है, उस सीरीज को बार बार यूज करें। फिर देखें HCl जाएगा किसके अंदर, Cl2 के अंदर और साथ में Cr3+, I- जाएगा I2 के अंदर, साथ में मिलेगा क्या, Cr3+, C2O4 2- नेगेटिव CO2 में जाएगा और साथ में मिलेगा क्या, Cr3+, Fe2+ जाएगा किसके अंदर, Fe3+ में, और ये मिलेगा क्या, Cr3+, ठीक है बेटा। Sn2+ जाएगा किस में, Sn4+ में, सीरीज यूज करें बार बार, और ये जाएगा किसके अंदर, Cr3+ में। अब देखो K2MnO4 पे क्या डाल दिया, O3 डाल दिया, तो O3 एक बहुत ही जबरदस्त ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कि K2MnO4 को ले जाएगा किसके अंदर, KMnO4 के अंदर। समझ में आ गई बात, तो हो गया ना फर्दर ऑक्सीडेशन K4FeCN6O3 से, तो K4FeCN6 में Fe पे चार्ज कितना बेटा, +2 है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दिया तो ये क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, +2 से बनेगा +3, और +3 के केस में बन जाएगा K3FeCN6, सिंपल है। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद में Fe2+ किस में जाएगा बेटा, Fe3+ में जाएगा, Cl- किस में जाएगा। अब देखो यहां पे मैंने लास्ट टर्न पे रिएक्शन बताई थी कि Cl2NaOH के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, NaCl+NaOCl, मतलब क्या, Cl- + OCl-, ये बना है बेसिक मीडियम में तो ये स्टेबल है, क्योंकि ये बना है ना बेटा, ये प्रोडक्ट जो बना है वो स्टेबल है, स्टेबल है मतलब ये बेसिक मीडियम में कोई रिएक्शन नहीं करेगा, तो यहाँ लिख दूंगा नो रिएक्शन। अब ऐसे समझो कि Cl2 बेसिक मीडियम में जाता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगा कौन से मीडियम में, एसिडिक मीडियम में, तो जब आप Cl- और OCl- की आपस में रिएक्शन कराओगे, Cl- और OCl- की आपस में रिएक्शन कराओगे, मीडियम एसिडिक होगा तो बन जाएगी क्लोरीन गैस, पर यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि मीडियम कैसा है, बेसिक है, और ये बनते ही कौन से मीडियम में, बेसिक मीडियम में। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, बहुत सारी रिएक्शन से बहुत सारी, देखिए प्रिडिक्ट करें हम, Br- + OBr- कौन से मीडियम में, बेसिक मीडियम में, नो रिएक्शन, क्योंकि ये बने ही कौन से मीडियम में, बेसिक मीडियम में। यहाँ पे क्या बन जाएगा, Br2 I- OI- OH- नो रिएक्शन, पर यहाँ पे बन जाएगा क्या, I2। अब देखो यहाँ पे लिया I2+NaOH हॉट एंड कॉन्सेंट्रेट, वैसे तो रिएक्शन में क्या बनता है, NaI+NaOI, पर मीडियम कैसा कर दिया, मीडियम तो बेसिक है पर गर्म कर दिया, ये है अस एसिड, और अस एसिड हीट करने पे किस में जाता है, एक में, तो बन जाएगा क्या, NaIO3। ऐसे ही Br2+NaOH कोल्ड कंडीशन में, कोल्ड है बेटा तो NaBr+NaOBr जनरल प्रोडक्ट लिख देंगे, यहाँ पे NaCl+NaCl O3 क्यों लिखा, क्योंकि क्या कर दिया, गर्म कर दिया, ठीक, Ag+O3 बन जाएगा बेटा Ag2O।
HGO ऑक्साइड बन जाएगा ना, और ये जबरदस्त ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो PbS पे H2O2 और वो भी किस में डाला है, एक्सेस में डाला है, तो समझो सल्फाइड जाएगा सल्फर में, सल्फर जाएगा किसके अंदर, SO2 के अंदर, और SO2 फाइनली जाएगा किसके अंदर, SO42- के अंदर, और SO42- Pb2+ के साथ में बनाता है क्या, PbSO4 इनसॉल्युबल। समझ में आ गई बात। तो PbS पे जब H2O2 एक्सेस में डाल देंगे तो सल्फाइड का फुल ऑक्सीडेशन हो जाएगा और सल्फेट बनेगा, और सल्फेट Pb के साथ क्या रहता है, इनसॉल्युबल रहता है। और देखें प्रोडक्ट समझ में आ रहा होगा, सीरीज यूज करना आ रहा होगा, रिएक्शंस बहुत इजी हैं, ठीक है ना, प्रैक्टिस करें आप तो बहुत आराम से रिएक्शन लिख लोगे और सारा डर खत्म हो जाएगा। NO2- जाएगा किसके अंदर, NO3- के अंदर, SO32- जाएगा SO42- में, क्योंकि H2O2 है न्यूट्रल है पर इसका एसिड मीडियम स्लाइटली एसिडिक होता है और जबरदस्त ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मीडियम बेसिक नहीं है। SO33- नेगेटिव जाएगा SO43- नेगेटिव के अंदर, सीरीज यूज करें। I- जाएगा I2 के अंदर। अब देखो यहाँ पे I- H2O2 बेसिक मीडियम में, समझना ऑक्सीडाइजिंग पावर I2 की ज्यादा है किससे, H2O2 OH- से, ठीक है। तो अगर I2 होता तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है, I2 नहीं है, I2 नहीं है, इसलिए क्या लिख देंगे, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगी, I- का फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है। समझ में आ गई बात। अब आ गया सल्फाइड, सल्फाइड लिया H2O2 है तो सिंपली सल्फर बना दो, बैलेंसिंग के ऊपर भी प्रोडक्ट डिपेंड करेगा, सल्फर अगर ज़्यादा हो गया H2O2 तो SO2 बना दो, और ज्यादा हो गया तो क्या बना सकते हो, SO4 2 माइनस बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। Fe2 प्लस का ऑक्सीडेशन होगा तो बेटा Fe3 प्लस बन जाएगा। समझ में आ गई बात, ठीक है, क्योंकि यहां पे बेसिक मीडियम नहीं दिया है, अगर मीडियम बेसिक होता है तो ये रिएक्शन नहीं होती, क्यों, क्योंकि उस केस में रिएक्शन क्या होती, Fe3 प्लस प्लस H2O2 बेसिक, ये रिएक्शन होगी। अगर मैं यहाँ 2 प्लस लिख दूंगा तो रिएक्शन नहीं होगी, क्यों, क्योंकि H2O2 की औकात नहीं है कि Fe2 प्लस को किस में कन्वर्ट कर दे, 3 प्लस में, जो मैंने सीरीज बताई थी उसको यूज करें, समझ गए। फिर यहाँ पे देखो नेक्स्ट रिएक्शन K4FeCN6, मतलब Fe2 प्लस, H2O2 एसिडिक, अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए 2 प्लस जाएगा किस में, 3 प्लस में, और बन जाएगा अपने पास K3FeCN6। पर यहां दूसरी रिएक्शन देखो प्लस थ्री है और मीडियम बेसिक है, जो मैंने सीरीज लिखाई थी उसका पूरा पूरा यूज है, थ्री प्लस किसके अंदर जाएगा बेटा, टू प्लस के अंदर, क्यों, क्योंकि यहां पे थ्री प्लस जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, H2O2 का फर्दर ऑक्सीडेशन होगा और थ्री प्लस चला जाएगा टू प्लस में, K4FeCN6 यहाँ पे बन जाएगा। समझ में आ गई बात, बैलेंसिंग में प्रोडक्ट में यहाँ पे क्या बन जाएगी, O2 बन जाएगी, क्योंकि आपने क्या है H2O2 का ऑक्सीडेशन किया है, ठीक। और नेक्स्ट रिएक्शन चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, नेक्स्ट रिएक्शन देखें CR3+ लिया है और CR3+ में मीडियम कैसा रखा है अपन ने, बेसिक रखा है क्या, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा बेटा, क्रोमेट मिलेगा, डाइक्रोमेट बन ही नहीं सकता, क्योंकि उसके लिए मीडियम कैसा चाहिए, एसिडिक चाहिए। चलिए देखें Mn2+ किसके अंदर जाएगा, Mn+4 में, तो MnO2 हो जाएगा, सिंपल प्रोडक्ट, H2O2 अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, किससे, MnO2 से, इसलिए रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में गई है। अगर अच्छा यहाँ पे KmnO4 क्यों नहीं बनाया, क्योंकि KmnO4 और अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उसके सामने H2O2 का टैलेंट फीका पड़ जाएगा। नेक्स्ट देखें O3 जाएगा O2 में, H2O2 जाएगा H2O में, प्रोडक्ट यही पॉसिबल है, किसी ने किसका ऑक्सीडेशन किया वो यहाँ से H2O2 से H2O पे जाएंगे तब पता चलेगा, H2O2 पे माइनस वन था, यहाँ माइनस टू हो गया, तो उल्टा है, यहाँ प्रोडक्ट के बेसिस पे लिखेंगे कौन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बाकी इन जनरल तो O3 ज़्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। देखिए भाई F2 जो है, F2 क्या किस में जाएगा, F- माइनस में जाएगा, अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो H2O2 का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा और मिल जाएगा क्या अपन को, O2 मिल जाएगा, ठीक। KmnO4 H2O2, अब बताओ अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन, KmnO4, तो KmnO4 मीडियम H2O2 एसिडिफाइड होता है स्लाइटली, ठीक है, तो KmnO4 H2O2 को कन्वर्ट करेगा O2 में और खुद जाएगा किस में, Mn2+ में। अब देखो F2 Cl- को Cl2 में, Br- को Br2 में, खुद जाएगा F- में, ठीक है ना, Cl2 Br- को Br
टू के अंदर और Cl2 खुद चला जाएगा किस में, Cl- में। Cl2i- को किसके अंदर कर देगा, I2 में कर देगा, और यहाँ पे Cl- Cl2 खुद किस में चला जाएगा, Cl- में। Br2 जाएगा किसके अंदर, Br- में, और I- जाएगा किसके अंदर, I2 में। अब उल्टी रिएक्शन देखो, उल्टी रिएक्शन, क्या Cl2 plus F- कोई रिएक्शन होगी, बिल्कुल नहीं होगी, क्यों, क्योंकि Cl2 की औकात ही नहीं है कि F- से इलेक्ट्रॉन खींच ले, ऑक्सीडाइजिंग पावर की जो सीरीज लिखाई है उसका यूज है। चलिए देखें नेक्स्ट, उसके बाद I2 और Cl2, अब देखो Cl2 क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा किसको, आयोडीन को, मीडियम के साथ, मीडियम तो एसिडिक है कोई दिक्कत नहीं है, आयोडीन नॉन मेटल ऑक्सीजन जुड़ेगी तो बनेगा ऑक्साइड, और ऑक्साइड पानी में जाके ऑक्सी एसिड तो मिल जाएगा, पेरेंटिक एसिड HIO3 और साथ में क्या HCl, समझो, क्लोरीन बेस, क्लोरीन बेस रिएक्शन क्या होगी, CaCl2 प्लस CaOCl2 डिस्प्रोपोर्शनेशन हो जाएगा, इसको कई बार क्या लिख देते हैं, CaOCl2 भी लिख देते हैं, ठीक, CaOCl2 प्लस CO2, समझना, ये बनता है बेसिक मीडियम में, तो एसिडिक मीडियम में रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगी, मीडियम एसिडिक कर दिया CO2, तो रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में, और बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या बन जाएगा, CaCO3, और कौन सी गैस, क्लोरीन गैस, कैसे बनी, समझो वापिस से, आपने मीडियम एसिडिफाइड करा, रिएक्शन पीछे आई, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CO2 से रिएक्शन करके CaCO3 बना लेगा, और प्रोडक्ट में क्या मिल जाएगा, Cl2 गैस मिल जाएगी। नेक्स्ट, उसके बाद में अगेन H2SO4 लिया आपने, H2SO4 रिएक्शन को पीछे लेके आएगा और बन जाएगा CaSO4 और कौन सी गैस, क्लोरीन गैस, ठीक है, मीडियम एसिडिफाइड क्या बनेगा, CaCl2 बनेगा और कौन सी गैस साथ में, क्लोरीन गैस। फिर देखो H2S मीडियम एसिडिफाइड पर क्या होगा, क्लोरीन गैस मिलेगी, और क्लोरीन H2S को, क्लोरीन H2S को क्या कर देगी, ऑक्सीडाइज कर देगी और मिल जाएगा सल्फर। अब अपन ने जो सीरीज लिखी थी उससे भी यूज कर सकते हो, देखो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है पर ये ऑक्सीडाइज हो नहीं सकता, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है पर ये ऑक्सीडाइज हो नहीं सकता, प्लस सिक्स के अंदर आएगा यहाँ पे, ठीक। अब यहाँ पे बात करें, ये ऑक्सीडाइज कर दो तो प्रोडक्ट वैसे भी Cl2, ना करो तो भी वैसे Cl2, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, पर अगर मैं यहाँ बात करूं ये माइनस टू के अंदर हो चुका है तो ये तो ऑक्सीडाइज होगा, और ये जबरदस्त ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या कर देगा, H2S को सल्फर में ऑक्सीडाइज कर देगा और खुद किस में आ जाएगा, CaCl2 के अंदर आ जाएगा, समझ में आई बात, क्योंकि इसकी ये ऑक्सीजन यूज होगी किसके अंदर, ऑक्सीडाइज करने में। फिर Fe2+ किसके अंदर, Fe3+ में, खुद किस में, CaCl2 में, ठीक है ना। NO2- किस में, NO3- में, खुद किस में, CaCl2 में। फिर अमोनिया, अमोनिया का ऑक्सीडेशन होगा तो N2 मिलेगी और खुद किस में, CaCl2 में। सर ऑक्सीजन कहां जा रही है, पानी के अंदर जा रही है, बैलेंसिंग के अंदर आ जाएगी, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। CaOCl2 I- को I2 के अंदर और खुद किस में, CaCl2 के अंदर। SO3- नेगेटिव को SO43 नेगेटिव के अंदर और साथ में क्या, CaCl2 मिल जाएगा, समझ में आ गई बात। ये CaCl2 बड़ा ही खतरनाक रिएजेंट है जिसमें हमेशा कंफ्यूजन होता है, तो अच्छे से इसको पढ़ें, अच्छे से रिएक्शन को पढ़ें और एक बार खुद से लिखने की कोशिश करें। नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन तो देखें यहां पे P4 plus NaOH, लास्ट टर्म पे पढ़ाई थी, रिवीजन हो रहा है, ठीक है, फटाफट से सोचें क्या बनेगा, तीन पुलिस एक वो जो अपन ने लिखा था ना, एक एसिड वो अस एसिड और लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट प्रोडक्ट, हाइपो अस एसिड मतलब NaH2PO2 और लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या, PH3। ऐसे यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, Na2S2O3 और साथ में क्या हम लिख देंगे, Na2S, ठीक। अब देखो यहाँ पे Na2O2 plus CO, CO ऑक्सीडाइज होगा किसके अंदर, CO2 के अंदर, CO2 CO2 और मीडियम के साथ बेसिक है, बेसिक है तो अपने को मिल जाएगा क्या, Na2CO3, समझ में आ गया। नेक्स्ट Na2O2 plus Cr, अरे भाई Na2O2 का मतलब क्या है, NaOH plus H2O2 है तो Cr plus 3 जाएगा किसके अंदर, plus 6 के अंदर, मीडियम के साथ बेसिक, तो मिल जाएगा क्या, Na2CrO4। अमोनिया का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या मिलेगा, N2 और साथ में क्या, NaOH, H2O2 ऑक्सीडाइज कर देगा किसको, NH3 को। फिर देखें P4 plus Cl2 लिमिटेड है, कम क्लोरीन वाला फास्फोरस का कंपाउंड बनाना है तो PCl3 बन जाएगा, यहाँ PCl5 बन जाएगा, सिंपल है। फिर उसके बाद में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नॉन मेटल, नॉन मेटल पे ऑक्सीजन चिपकानी है, पानी है तो क्या बन जाएगा, पेरेंटिक एसिड HIO3, समझ में आ गया। नेक्स्ट आ जाओ, उसके बाद में ये आज क्या अपना कंप्लीट हो जाएगा ब्लॉक केमिस्ट्री का रिएक्शन वाला पार्ट, नेक्स्ट लेक्चर में आपको मेटलर्जी मिल जाएगा, ठीक है। देखें यहाँ पे अगेन वही नॉन मेटल दिख रहा है ना बेटा, नॉन मेटल और नॉन मेटल के अपन साथ जोड़ देंगे क्या, H3As
O4 बन जाएगा, H3PO4 बन जाएगा, H2SO4 बन जाएगा, ASO43 नेगेटिव के अंदर चला जाएगा, सोचते जाओ SO32 नेगेटिव में चला जाए, SO42 नेगेटिव में जाएगा, सॉरी ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ये जाएगा किसके अंदर, NO3 माइनस के अंदर, ये जाएगा किसके अंदर, I माइनस किस में, I2 में जाएगा, समझ गए, Br माइनस किस में, Br2 में, Cl माइनस किस में, Cl2 में, PbS पे एक्सेस में सल्फर ओजोन डाल दी, तो Pb का तो फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि स्टेबल नहीं है, तो किसके अंदर जाएगा जल्दी सोचो, तो ये जाएगा किसके अंदर, PbSO4 के अंदर, क्योंकि सल्फाइड का फुल ऑक्सीडेशन होगा और फुल ऑक्सीडेशन सल्फाइड किसके अंदर, सल्फर में, सल्फर SO2 के अंदर, और SO2 किसके अंदर, SO42 माइनस के अंदर, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट H2O32 नेगेटिव, सीरीज देखो, रिएक्शन प्रिडिक्ट करो क्या बनेगा, टेट्राथाइनेट S4O62 माइनस, और साथ में क्या बन जाएगा, Fe2+ बन जाएगा, ठीक है ना, रिएक्शन समझ में आ रही होगी, नेक्स्ट उसके बाद में और देखें, H2O32 नेगेटिव स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आ गया, Br2 से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए क्या लिखोगे, S प्लस SO42 माइनस, साथ में क्या, Cr3 प्लस, फिर S प्लस SO42 माइनस, साथ में क्या, Mn2 प्लस मीडियम एसिडिक है, फिर उसके बाद में क्या लिखेंगे यहाँ पे, I2 वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन की इंपॉर्टेंट रिएक्शन, I2 जाएगा I माइनस में और खुद आएगा किसके अंदर, S4O62 माइनस, पर Br2 इसके लिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, फिर क्या लिख देंगे, S प्लस SO42 माइनस और साथ में क्या, Br माइनस, ऐसे ही यहाँ पे S प्लस SO42 माइनस और साथ में क्या, Cl माइनस, अब Cl2 एक्सेस में ले लिया, Cl2 एक्सेस में ले लिया, तो यहाँ पे और कौन ऑक्सीडाइज हो सकता है, सल्फर, सल्फर ऑक्सीडाइज होगा तो क्या बनेगा, SO42 माइनस, पर Cl2 को पानी में डालते हैं तो HCl प्लस HOCl मिलता है, जो कि मीडियम को कैसा कर देता है, एसिडिफाइड कर देता है, और एसिडिफाइड होने की वजह से H+ मिलता है, और वो H+ किस पे जुड़ेगा, SO42 माइनस पे, तो बन जाएगा HSO4 माइनस और साथ में क्या, Cl माइनस, ठीक है, SN2 प्लस एक रिड्यूसिंग एजेंट है, SO2 ऑक्सीडाइजिंग की तरह भी काम कर सकता है और रिड्यूसिंग की तरह, साथ में कौन आया उसके ऊपर डिपेंड करेगा, तो SN2 प्लस SO2 के साथ रिएक्शन करके किस में चला जाएगा, SN4 प्लस में, SO2 चला जाएगा किस में, सल्फर में, यहाँ पे 3+ करना है बेटा, 3+ कर लें, ठीक है, तो Fe3+ जो है SO2, अब Fe3+ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, SO2 किसके अंदर चला जाएगा, SO42 माइनस के अंदर, और Fe किस में आ जाएगा, 2+ के अंदर, अब आपका डाउट ये आ रहा होगा, सर SO42 माइनस मतलब H2SO4 जो है वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है किससे, Fe3+ से, पर नहीं, यहाँ पे डाइल्यूट बनेगा ना बेटा, कॉन्सेंट्रेट वाला स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है किससे, Fe3+ से, ये कौन सा वाला बनेगा, डाइल्यूट वाला बनेगा, अब देखो कॉन्सेंट्रेट H2SO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी होता है, कार्बन का ऑक्सीडेशन तो करेगा पर डिहाइड्रेशन भी कर देगा, इसलिए उसका ऑक्साइड CO2 बन जाएगा, सल्फर एक इधर वाला कॉन्सेंट्रेट H2SO4 इधर वाला, H2S का ऑक्सीडेशन सल्फर में, सल्फर का ऑक्सीडेशन SO2 में, SO2 का H2SO4 में, तो सल्फर और कॉन्सेंट्रेट H2SO4 को मिक्स कर दिया तो क्या बन जाएगा, SO2 बन जाएगा, कम प्रोपोर्शनेशन हो जाएगा, ठीक है, P4 प्लस कॉन्सेंट्रेट H2SO4, देखो P4 का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा, P4O10, समझ में आ गई बात, पानी नहीं डालना है क्योंकि कॉन्सेंट्रेट H2SO4 एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, समझ में आ गया, P4O10 भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, ठीक है, तो P4O10 मिल जाएगा यहाँ पे, नेक्स्ट उसके बाद में कॉपर रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे है और हाइड्रोजन से नीचे इस वजह से डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन नहीं करेगा क्योंकि ये कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, नो रिएक्शन, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कॉपर को ऑक्सीडाइज करेगा, कॉपर जाएगा किसके अंदर, Cu2+ के अंदर, SO42 जाएगा किसके अंदर, SO2 के अंदर, ठीक है, SO42 माइनस, जिंक प्लस डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट H2SO4 कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है पर जिंक रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर है तो क्या मिल जाएगा बेटा, Zn2+ और साथ में क्या मिल जाएगा, हाइड्रोजन गैस, क्योंकि ये डाइल्यूट H2SO4 के H+ को डिस्प्लेस किया है यहां पर कॉन्सेंट्रेट H2SO4 में क्या बनता है, SO2 बनता है और जिंक किस में चला जाएगा, Zn2+ के अंदर चला जाएगा, ये डिफरेंस आता है ऑक्सीडाइजिंग और नॉन ऑक्सीडाइजिंग का, जिंक प्लस HCl क्या बन जाएगा, ZnCl2+ हाइड्रोजन गैस बन जाएगी पर यहां पर कोई रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि HCl में रिएक्शन H+ के दम पे होगी और किसी के दम पे नहीं होगी, H2S आ चुका है, सल्फर प्लस Cr3+ मिलेगा, प्रिडिक्ट करते जाओ, सल्फर प्लस Mn2+ मिलेगा, Fe3+ किस में जाएगा, 2+ में, और क्या मिलेगा, सल्फर, SO2+ H2S, वही H2S का ऑक्सीडेशन सल्फर में, सल्फर का ऑक्सीडेशन SO2 में, तो SO2 और H2S को दोनों को मिक्स कर देंगे तो बीच वाला प्रोडक्ट सल्फर प्लस H2O बन जाएगा, H2O2 H2S को किस में, सल्फर में, और खुद किस में, H2O में,
I2 H2S को किसके अंदर, सल्फर में, और I2 खुद किसके अंदर, खुद किसके अंदर, I माइनस के अंदर, ठीक है, क्योंकि H2S काफी जबरदस्त वीक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, उसका रिडक्शन बहुत आसान है, ठीक है ना, इस वजह से। नेक्स्ट, उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, हो जाएगी, बहुत सारी रिएक्शन है, सारी कंप्लीट करनी है ब्लॉक केमिस्ट्री की रिएक्शन, तो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा भाई, ठीक है ना। Br2 जाएगा किसके अंदर, Br- माइनस में, प्रिडिक्ट करते जाओ फटाफट फटाफट, सल्फर Cl- प्लस सल्फर, H3PO3 को हीट करते हैं तो क्या मिलता है, H3PO4 प्लस PH3, पूरी ब्लॉक केमिस्ट्री की रिएक्शन आ चुकी है। P4 प्लस लिमिटेड O2 की बात करें तो बनता है क्या, P4O6 P4O10, सोचते जाओ जल्दी जल्दी, CO CO2, क्यों, क्योंकि लिमिटेड एक्सेस की बात कर रहे हैं, लोअर हायर की बात कर रहे हैं, हाँ यहाँ पे समझे, कॉन्सेंट्रेट NO3 क्या देता है बेटा, हमेशा NO2 देता है, ठीक है। Fe2+ किसके अंदर जाएगा, Fe3+ के अंदर, और सल्फाइड किसके अंदर जाएगा, सल्फर में, तो यहां पे दोनों का ऑक्सीडेशन हुआ, Fe2+ का भी और सल्फर का भी। उसके नीचे चलो, सेम चीज है, Fe2+ है, खुद किस में जाएगा, Fe3+ के अंदर जाएगा, ठीक। डाइल्यूट HNO3 किसके अंदर जाएगा, जनरल प्रोडक्ट NO के अंदर, और Fe सल्फाइड किसके अंदर जाएगा, सल्फर के अंदर, ये डिफरेंस है दोनों रिएक्शन के अंदर, ठीक है ना। NO2 और NO का डाइल्यूट कॉन्सेंट्रेट का इफेक्ट आता है। फिर देखें, HBr जाएगा बेटा Br2 के अंदर, HI जाएगा I2 के अंदर, और दोनों में साथ में जोड़ देंगे क्या, NO2, क्योंकि क्या है, कॉन्सेंट्रेट HNO3 है। उसके बाद में देखें, P4 प्लस कॉन्सेंट्रेट HNO3, अब सोचो नॉन मेटल है, नॉन मेटल पे क्या जोड़ दिया आपने, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जोड़ दिया, तो पेरेंटिक एसिड H3PO4 बन जाएगा, और HNO3 खुद देगा क्या, NO2। फिर यहाँ पे H2SO4 बनेगा, और साथ में क्या मिलेगा, NO2, पेरेंटिक एसिड बनाना है, I2 HIO3 मिलेगा, साथ में क्या बन जाएगा, NO2। नेक्स्ट, HNO2 रूम टेम्परेचर पे जाता है किसके अंदर, सोचो सोचो, HNO3 प्लस NO के अंदर टूट जाता है, डीकम्पोज हो जाता है रूम टेम्परेचर पे। देखो माइनस थ्री, और सॉरी यहाँ पे नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन प्लस थ्री, यहाँ क्या है माइनस थ्री, तो प्रोडक्ट माइनस थ्री प्लस थ्री का सीरीज के अंदर देखो क्या मिलता है, N2, और C2H5 पे क्या जुड़ जाएगा, OH जुड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ से क्या निकला, NH2- निकलेगा, तो C2H5 पे प्लस आ जाएगा, तो क्या जुड़ जाएगा, OH। ऐसे यहाँ पे यूरिया, यूरिया का मतलब NH2 CO NH2, ठीक है, माइनस थ्री माइनस थ्री प्लस फोर, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा बेटा, CO2 कार्बन का प्लस फोर, यहाँ NH3, NH3 और HNO2 मिलके क्या बना देंगे, N2 बना देंगे। ऐसे यहाँ पे HNO2 प्लस थायो यूरिया, थायो यूरिया में यहाँ पे S लगा दो, ठीक है ना। अब S लगा दिया तो यहाँ से पहले तो NH3 निकला तो बन गया क्या, N2, और यहाँ से H निकल के HNCS बनता है। ये पूरी नहीं होती है रिएक्शन, थोड़ी सी रह जाती है, क्योंकि यहाँ पे देखो पहले ऑक्सीजन होता तो इसका लुईस एसिडिक नेचर ज़्यादा होता तो रिएक्शन फास्ट होती है, तो दोनों NH3 निकल जाते हैं, इसलिए हाइड्रोलिसिस दोनों का हो जाता है। पर सल्फर लगाया तो लुईस एसिडिक नेचर कम हो गया, इसलिए एक ही NH3 निकलता है, बाकी नहीं निकलता, तो HNCS बन जाता है। फिर देखो HNO2 H2O2, तो H2O2 अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो HNO3 बना देगा, सीरीज को यूज करो, HNO2 KMNO4 अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, Mn2+ है, KMNO4 है जो कि Mn2+ में जाएगा, HNO2 किस में जाएगा, HNO3 के अंदर जाएगा। फिर देखो HNO2 K2Cr27 किस में जाएगा, Cr3+ में जाएगा, और HNO2 किसके अंदर चला जाएगा, HNO3 के अंदर चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद में और देखें रिएक्शन, बहुत सारी है भाई, पूरी ब्लॉक केमिस्ट्री है, क्योंकि और देखें HNO2 ASO3 3 नेगेटिव के साथ में, अब देखो HNO2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, कैसे पता चला, इनर्ट पर इफेक्ट, आर्सेनिक के ऊपर कौन सा ज्यादा स्टेबल होता है, प्लस फाइव, तो ये जाएगा ASO4 3 नेगेटिव के अंदर, और HNO2 अब रिड्यूस हो रहा है तो NO में जाएगा, ठीक है। Fe2+ सीरीज को यूज करेंगे तभी ये रिएक्शन लिख सकते हैं, Fe3+ NO के अंदर जाएगा, ठीक है। H2S किसके अंदर जाएगा, सल्फर प्लस किसके अंदर, सल्फर का, सल्फर में जाएगा, और खुद किसके अंदर, NO के अंदर, SO2 SO4 2 माइनस में, और साथ में क्या, NO गैस मिल जाएगा, I2O5 प्लस CO। अब I2O5 और CO, CO रिड्यूसिंग एजेंट है, आयोडीन का ऑक्साइड है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, या फिर अपन बात करें ऑक्सी ऑक्सी एसिड, इसको पानी में डाल दिया तो क्या, ऑक्सी एसिड, और ये बन जाते हैं क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट I2O5 की प्रेजेंस में CO जाएगा CO2 में, और I2O5 आ जाएगा किसके अंदर, I2 के अंदर। एसिड प्लस N2, N2 हीट करने पे नेसेंट ऑक्सीजन देगा, N2 मिलेगी, और ऑक्सीजन सल्फर को ऑक्सीडाइज करके SO2 देगा, ये ज़्यादा अच्छा कंबशन करवाता है, क्योंकि एयर के कंपैरिजन में, क्योंकि इसके अंदर 33% ऑक्सीजन होती है। फिर P4, N2 एक्सेस में लिया तो N2 प्लस साथ में क्या बन जाएगा, P4O10, क्योंकि एक्सेस में लिया है, लिमिटेड लेते तो कहाँ रिएक्शन रुक जाती, P4O6 पे। नेक्स्ट MgO प्लस N2,
फिर CuO प्लस N2, यहाँ पे क्या मिल जाएगा H2O प्लस N2। ठीक है, सिंपल रिएक्शन है, फटाफट फटाफट कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट थोड़ी सी बाकी है, HNO3P4O10 के साथ में, HNO3P4O10 के साथ में, अब P4O10 जो है वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है तो इससे पानी निकालेगा और इससे पानी निकाल के क्या बनाएगा N2O5। यहाँ कोई रेडॉक्स नहीं होगी, क्यों? क्योंकि ये अपने मैक्सिमम में, ये अपने मैक्सिमम के अंदर है, इसलिए यहाँ पे कोई रेडॉक्स नहीं होगी, पानी निकलेगा N2O5। और P4O10 का हाइड्रोलिसिस होने पे पहला प्रोडक्ट कौन सा? HPO3। ठीक, कॉपर प्लस डाइल्यूट HNO3, डाइल्यूट HNO3 इन जनरल क्या देता है NO, और कॉपर जो है वो इजीली ऑक्सीडाइज हो जाएगा क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है Cu2+ के अंदर। कॉपर प्लस कॉन्सेंट्रेट HNO3, कॉन्सेंट्रेट HNO3 क्या देता है NO2 देता है और आराम से Cu2+ मिल जाएगा। जिंक प्लस डाइल्यूट HNO3, अब डाइल्यूट HNO3 रिएक्टिव मेटल के साथ में कौन सी गैस देता है N2O देता है और साथ में मिल जाएगा Zn2+। कॉन्सेंट्रेट HNO3 NO2 देता है हमेशा और साथ में मिल जाएगा Zn2+। आ जाओ PB प्लस डाइल्यूट HNO3, PB जितनी भी रिएक्शन है वो किसकी तरह करता है, कॉपर की तरह करता है, रिएक्टिविटी सीरीज में माना हाइड्रोजन से ऊपर है पर सारी रिएक्शन किसके जैसी शो करता है, किसके जैसी, कॉपर के जैसी। तो PB देगा क्या, PB2+ में जाएगा प्लस डाइल्यूट HNO3, NO गैस देगा, N2O नहीं देगा। ठीक, नेक्स्ट Fe प्लस डाइल्यूट HNO3, Fe2+ बनेगा, क्यों बनेगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग नहीं है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो 2+ बनेगा, डाइल्यूट HNO3 N2O देगा, क्यों देगा, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर है। डाइल्यूट HNO3 इन जनरल प्रोडक्ट NO देगा और Fe2+ किस में चला जाएगा, Fe3+ में चला जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, अब ये आयन है, मेटलिक आयन है ना कि मेटल है। NO2 किसके अंदर जाएगा, पानी में डालने पर HNO2+ HNO3 पड़ चुके हैं, ये NH3O2 ऑक्सीडाइज तो होगा, गर्म भी कर दिया, तो ये NH3 N2 में जाना चाहिए था पर चला जाएगा किसके अंदर, NO के अंदर चला जाएगा, साथ में क्या मिल जाएगा H2O मिल जाएगा क्योंकि गर्म किया है। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन NH3+Cl2, देखो भाई क्लोरीन क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, हाइड्रोजन खींचेगा क्योंकि क्लोरीन की हाइड्रोजन एफिनिटी बहुत ज्यादा होती है, तो यहां पे बन जाएगा क्या, क्लोरीन हाइड्रोजन से रिएक्शन करके HCl बनाएगा। ठीक है, और क्या बचेगा, नाइट्रोजन बच जाएगा, पर अमोनिया एक्सेस में, अमोनिया क्या है, बेस और HCl रिएक्शन करके क्या बना लेंगे, NH4Cl बना लेंगे। प्रोडक्ट समझ में आया, ऐसे ही क्लोरीन हाइड्रोजन से रिएक्शन करके HCl बनाएगा और बच क्या जाएगा, नाइट्रोजन बच जाएगा, पर क्लोरीन एक्सेस में है तो क्लोरीन नाइट्रोजन से रिएक्शन करेगा और बना लेगा क्या, NCl3 बना लेगा। ठीक है, PB3O4 होता है क्या, PBO.PBO2, ये प्रीडोमिनेंटली एसिडिक होता है जो कि डाइल्यूट HNO3 के साथ में रिएक्शन नहीं करता, ये प्रीडोमिनेंटली बेसिक होता है, एम्फोटेरिक है दोनों पर प्लस टू होने की वजह से बेसिक नेचर ज़्यादा है, तो PBO डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन करेगा, बना लेगा PbNO3 2, और PbO2 एज इट इज पड़ा रहेगा, कोई रिएक्शन नहीं होगी, रेडॉक्स चैप्टर के अंदर NCERT में दे रखी है। नेक्स्ट देखें HNO2 या आ गया +3 और ये -3, दोनों प्रोडक्ट मिलके क्या बनेगा N2 और इसके रेस्पेक्ट में क्या बन जाएगा H2SO4, है ना, यहाँ से निकला और OH जुड़ जाएगा, PbO2+SO2, अब SO2 रिड्यूसिंग एजेंट, PbO2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बन जाएगा क्या PbSO4, PbPlus4 से +2 में और SO2SO4 2- में, इनसोल्यूबल कंपाउंड। SN+Cl2 एक्सेस में डाला है तो Tin+2+4 पर एक्सेस है SnCl4, SN+HgCl2, यहाँ पे SnCl2 लिखेंगे बेटा, ठीक है, SnCl2+HgCl2, तो +2 से किस में जाएगा +4 में, तो यहाँ बन जाएगा SnCl4, +2 से ही आएगा किस में +1 में, स्टेप रिएक्शन है, बैलेंसिंग करनी पड़ती है Hg2Cl2। ठीक है, अब Hg2Cl2 रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे तो और नीचे चला जाएगा Hg के अंदर जीरो में, और SnCl2 किस में चला जाएगा SnCl4 के अंदर चला जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखो B2H6O2 से रिएक्शन करेगा, गर्म होगा, तो बोरोन के रेस्पेक्ट में तो B2O3 बन जाएगा, हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में H2 बन जाएगा, एल्यूमिनियम प्लस कॉन्सेंट्रेट H2SO4, तो वैसे तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्सीडाइज होगा तो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बनेगा जो कि एम्फोटेरिक होता है, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 से रिएक्शन करके Al2SO4 होल थ्राइस बनाएगा और साथ में कौन सी गैस निकलेगी,
SO2 गैस निकलेगी। एल्यूमिनियम प्लस NaOH की बात करें तो ये तो मैंने पढ़ाया था, नॉन मेटल की मेटल की किसके साथ, बेस के साथ रिएक्शन, NaAlOH होल 4 बनेगा और कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। फिर बोरोन प्लस कॉन्सेंट्रेट H2SO4 H3BO3 बनेगा, पेरेंटिक एसिड बोरोन प्लस कॉन्सेंट्रेट HNO3 H3BO3 बनेगा, यहाँ पे प्रोडक्ट NO2 होगा, यहाँ पे प्रोडक्ट SO2 होगा, ठीक है। फिर बोरोन प्लस O2 गर्म करने पे B2O3 जनरली रिएक्शन नहीं करता है, पर गर्म करते हैं एमोर्फस फॉर्म को तब जाके रिएक्शन होती है, यहाँ पे बन जाता है Al2O3 SN प्लस डाइल्यूट HCl, रिएक्टिविटी सीरीज में टिन हाइड्रोजन से ऊपर है, बन जाएगा क्या SnCl2 प्लस कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस, टिन प्लस हॉट एंड कॉन्सेंट्रेट HCl, तो यहाँ पे क्या होगा, टिन जो है हॉट कर दिया, गर्म कर दिया, तो टिन प्लस 4 में जाएगा, SnCl4 बनेगा और साथ में कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस, टिन प्लस डाइल्यूट H2SO4 सेम टाइप की रिएक्शन, क्या बन जाएगा, SnSO4 बनेगा और साथ में कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस, क्यों, क्योंकि डाइल्यूट H2SO4 नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड है, पर टिन प्लस कॉन्सेंट्रेट H2SO4 की बात करूं तो SnSO4 होल ट्वाइस और साथ में SO2 गैस निकलेगी क्योंकि कॉन्सेंट्रेट H2SO4 हमने लिया है। चलिए नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है उसके बाद में, बस ये लास्ट स्लाइड है बेटा और अपनी रिएक्शन सारी कंप्लीट हो जाएगी ब्लॉक केमिस्ट्री की। देखें भाई, टिन प्लस हॉट एंड कॉन्सेंट्रेट HNO3 की बात करें तो टिन हॉट एंड कॉन्सेंट्रेट HNO3 ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एक एक्सेप्शन आता है जिसके अंदर H2SNO3 बनता है। देखो कॉन्सेंट्रेट HNO3 अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, टिन को जीरो से सीधे किस में लेकर आएगा, प्लस 4 में, पर SNO2 प्रीडोमिनेंटली एसिडिक होता है और प्रीडोमिनेंटली एसिडिक होने की वजह से वो फर्दर HNO3 के साथ में रिएक्शन नहीं करता है, तो बन जाएगा क्या H2SNO3 मेटास्टेनिक एसिड और साथ में क्या NO2, मतलब टिन जो है वो HNO3 के साथ में नॉन मेटल की तरह रिएक्शन करता है। फिर यहाँ से डाउट आता है, सर आपने पिछली स्लाइड में बताया था कि ये जो टिन है टिन कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ सॉल्ट बना लेता है, क्यों, क्योंकि H2SO4 ज़्यादा अच्छा एसिड है, उसके सामने SNO2 जो है वो बेस बन जाता है, पर कॉन्सेंट्रेट HNO3 की अगर मैं बात करूं तो वो इतना अच्छा एसिड नहीं है कि उसके सामने वो बेस बन सके और सॉल्ट बना सके, इसलिए रिएक्शन यहीं पर रुक जाती है। उसके बाद में देखें जिंक प्लस NaOH एम्फोटेरिक मेटल NaOH कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस, पर हाइड्रोजन गैस नाइट्रेट को क्या कर देगी, रिडक्शन और बन जाएगा क्या अमोनिया, अमोनिया की प्रिपरेशन में यूज करते हैं और साथ में Na2ZnOH होल 4 बनेगा। रिएक्शन कैसे हुई, जिंक ऑक्सीडाइज हुआ, जिंक हाइड्रोक्साइड बना, जिंक हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक के NaOH के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगा, Na2ZnOH होल 4। फिर देखो एल्यूमिनियम प्लस NaOH प्लस NO2 माइनस, वही चीज एम्फोटेरिक मेटल है NaOH के साथ रिएक्शन करेगी तो नेसेंट हाइड्रोजन निकलेगी, नेसेंट हाइड्रोजन NO2 माइनस का रिडक्शन किस में करेगी, NH3 में करेगी और खुद सॉल्ट बना लेगी NaAlOH होल 4। कभी कभी ये मेटा एल्यूमिनेट की फॉर्म में भी लिखा होता है NaAlO2 की फॉर्म में, ठीक है, तो परेशान ना होए, ऑक्सीडेशन स्टेट देख के भी आंसर दे सकते हैं। और लास्ट में है अपने पास अमोनियम सॉल्ट के हीटिंग इफेक्ट, अमोनियम सॉल्ट के हीटिंग इफेक्ट में देखें ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे अगर नाइट्रोजन एनायन हो तो, ठीक है, यहाँ -3 यहाँ +3 दोनों मिक्स होंगे और बन जाएगा क्या N2 0, -3 + 3 का एवरेज ले लेंगे, ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे -3 यहाँ पे +5 एवरेज आएगा +1, दो नाइट्रोजन एटम है ना +1, इसलिए प्रोडक्ट क्या बनेगा N2O। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अमोनिया का ऑक्सीडेशन करेगा किसके अंदर, N2 के अंदर, खुद जाएगा क्रोमियम +3 Cr2O3 के अंदर और साथ में क्या निकलेगा, वाटर, ये लिखने का इसको तरीका। फिर अमोनिया का ऑक्सीडेशन होगा MnO4 नेगेटिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, NH3 का ऑक्सीडेशन N2 के अंदर, MnO4 जाएगा न्यूट्रल मान लो, वीकली बेसिक मान लो, किसके अंदर, MnO2 के अंदर और साथ में 2H2O। इसका एक और तरीका है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखा पहले क्या लिख दिया, N2 लिख दिया, ठीक है, फिर एज पॉसिबल वाटर निकाल दिए, यहाँ पे निकाल दिए जैसे 2H2O, फिर जो बाकी बचा उसमें अगर मेटल है तो पूरा एक साथ लिख दिया, नॉन मेटल है तो अलग अलग लिख दिया, जैसे यहाँ पे नॉन मेटल है तो क्लोरीन और ऑक्सीजन लिख दिया और यहाँ पे मेटल है तो जो बचा था MnO2 और Cr2O3 एक साथ लिख दिया, समझ में आ गया। फिर उसके बाद में NH4Cl NH3+HCl मिलेगा, NH4 होल ट्वाइस, S किसके अंदर जाएगा, NH3+H2S के अंदर जाएगा, ठीक है, फिर ये नॉन ऑक्सीडाइजिंग है इसलिए अमोनिया का ऑक्सीडेशन नहीं कर पाएंगे, कार्बन अमोनिया का ऑक्सीडेशन नहीं करेगा तो NH3+
H2CO3 मतलब CO2 प्लस H2O। ऐसे ही साइनाइड अमोनिया का ऑक्सीडेशन नहीं कर पाएगा तो क्या मिल जाएगा बेटा, NH3 प्लस HCN। अब देखो यहाँ भी नाइट्रोजन, यहाँ भी नाइट्रोजन, यहाँ तो -3 में था, ठीक है ना, इस वजह से यहाँ पे मिक्स नहीं कराया। यहाँ N3 -1 में है और ये नाइट्रोजन -3 में, अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट है तो एवरेज ले लेंगे। एवरेज लेंगे तो नाइट्रोजन पे -3 -1 कितना हो गया, -3 -1 / 1 and 3 = -1। तो नाइट्रोजन पे -1 चार्ज आया तो एक हाइड्रोजन जोड़ देंगे और यहाँ पे 2 लगा देंगे तो प्रोडक्ट बन जाएगा क्या, N2H2। 2 क्यों लगाया, क्योंकि मोनोमर की फॉर्म में तो बेटा वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं होगी ना, इसलिए उसका क्या बना देंगे, डाइमर बना देंगे। तो इसी के साथ में ब्लॉक केमिस्ट्री की सारी रिएक्शन कंप्लीट हो गई है। आप प्रैक्टिस करें और नेक्स्ट लेक्चर में हम मेटलर्जी के साथ मिलेंगे, एक ही लेक्चर में मेटलर्जी पूरी कंप्लीट करेंगे। चलिए बाय।